अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल कुकिंग विद अफीफा। हमारी सारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात। आज हम आपके लिए जो सब्जी लाए हैं वो है भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है एक किलो भिंडी जो कि हमने वॉश करके ड्राई की है पहले और उसको काट लिया है। अगर हम भिंडी को ड्राई नहीं करेंगे तो इसमें लेस आ जाएगा और हमारी सब्जी सही नहीं बनेगी, लिहाजा हमें भिंडी को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई है। इसके अलावा हमें 2 अदद दरमियाने टमाटर चाहिए, 1 अदद दरमियानी प्याज जो कि हमने स्लाइसिस में काट ली है, 1/2 कप कुकिंग ऑयल हम सरसों के तेल में पका रहे हैं, अगर आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी पका सकते हैं। इसके अलावा 10 से 12 अदद लाल साबुत मिर्चें, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच जीरा। ये तेल हमने चूल्हे पे गरम करने रख दिया था क्योंकि हम सरसों के तेल में पका रहे हैं। इसको 10 मिनट हमने पका लिया दरमियानी आंच पे, इसकी स्मेल निकल चुकी है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो कि हमने स्लाइसेस में काटी हुई है और इसको हल्की सी गुलाबी कर लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना। मीडियम आंच पे पकाएंगे हम और इसको गुलाबी रंगत में फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, अब ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको हमें डार्क नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून भी लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो भिंडी जो है वो लेस छोड़ देगी और ये भिंडी पूरी खराब हो जाएगी। इसको ड्राई कर लेंगे। टमाटर आप देख सकते हैं ड्राई हो गए हैं तकरीबन। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच चलाएंगे इसमें। आज हमने मीडियम रखी हुई है। इसके बाद इसमें भिंडी डाल देंगे। ऑयल के साथ चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लेस ना आए, ये हल्की सी ऑयल में फ्राई हो जाएगी। नमक डाल देंगे इसमें, लाल साबुत मिर्चों को तोड़ लेंगे ताकि इनका फ्लेवर आ जाए। और अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा तेज मिर्चें चाहिए तो आप हल्की सी किसी भी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, वरना वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। 1/2 चम्मच चलाएंगे, उसके बाद इसको दम पर ही पकाएंगे। इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना है क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता है रोटी भी, ये दम पे पकेगी और स्टीम में ही ये गल जाएगी। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये आपकी भिंडी गल जाती है, लिहाजा इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब हमारी मिक्स हो गई भिंडी, अब हम इसको दम पे चूल्हा कर देंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। नाज़रीन, ये हमारी भिंडी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं ये रेडी हो गई है। अगर आपको कीमे की अभी कच्ची है तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट दम पे लगा सकते हैं, लेकिन हमारी भिंडी डन हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर देंगे। ये हमारी मज़ेदार भिंडी रेडी है, हमने इसको सर्व कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये खाने में कितनी मज़ेदार है, कितनी देखने में नज़र आ रही है।